देखिए मैं बड़ा लो प्रोफाइल रहता हूँ। अभी पिछले गांव में मेरे से पत्रकारों ने सवाल पूछा भी क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो मैंने उनको यही कहा कि मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है, मुझे नहर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हमें नहर और पानी मिल जाए, मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, ना मेरी सोच। और जो आज एपिसोड घटा है ये इन लोगों की छोटी मानसिकता है। जिस दिन रैली अनाउंस हुई थी पत्रकार थे वहीं पे भी, उनके सामने जब सारा एपिसोड हुआ तो मेरे पे इल्जाम लगाया गया किडनैपिंग का। जब पत्रकार बंधु वहाँ बैठे थे तो उन्होंने मेरे खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा और मुझे बदनाम करने की कोशिश की, और दो दिन बाद उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर ली कि जी हमारे से गलती होगी। इन लोगों का एक ही ध्येय है कि कहीं ना कहीं आदित्य को बदनाम करो, इस रैली को फेल करने का काम करो। पहले दिन से इनकी एक ही सब लोगों की, कईयों की, चाहे इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, इनेलो के भी, ये रैली फेल होनी चाहिए। लेकिन किसान चाहता है पानी और मैं नहर चाहता हूँ, ये हमें मिलेगा, हमें इस बात की खुशी है। आदित्य जी ऐसा क्यों होता है कि जनसभा आपकी होती है और आदित्य जी मंत्री मार जाते हैं, कैसी बात को लेकर लड़ाई है? ना, तो मौके पे चौका मारना चाहते ना, ना मेरे, मैं किसी को देखो किसी की मैं निंदा नहीं करना चाहता, मैं एक चाहता हूँ अगर जनता के नुमाइंदे आप हो तो आप जनता की भलाई करो। किसी की निंदा करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना गलत है। खुद जो आपने अच्छे काम किए, आप अपने काम अपनी सोच लोगों के आगे रखो, फैसला जनता को करने दो। मेरा आदित्य जी आपसे आखिरी सवाल है, डबवाली में बीजेपी के जो दो धड़े अपने आप को बता रहे हैं और बी टीम, क्या आपको लगता है कि सब लोग मिलके आपके क्रेडिट से परेशान और आपको नहीं श्रेय देना चाहते और इस रैली को फ्लॉप करने में लगे? देखिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ना मुझे पता कि धड़ा किसका है और कौन धड़े कौन से में है। मुझे ये पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन यहाँ आ रहे हैं और हमने खुद उनको बुलाया 25 तारीख को, और वो अपने मुख से पानी के ऊपर 138 करोड़ की परियोजना का उद्घोष करेंगे। हमने वो रैली कामयाब करनी है। हमारा किसान पानी ना होने के कारण दुखी है, हमारे किसान को पानी मिल जाए इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। इसको पार्टी से ऊपर उठ के, हर विचार से, हर सोच से ऊपर उठ के किसान को एक मंच पे आके अपनी मांग मांगनी चाहिए, तभी किसान की मांग पूरी होगी। हम